राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का सोमवार को देहांत हो गया। 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे। बीते कई दिनों से वह अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद उनके समर्थकों और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। वहीं गुजरात में रैली को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह को याद किया। मुलायम सिंह को याद करते समय उनकी आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 लड़कियों ने नशे की हालत में भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। शोर होता देखकर अन्य गार्ड मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जब समझाने का प्रयास किया तो उनके सामने भी तीनों लड़कियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक गार्ड ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है।